42वीं कहानी येशु स्वर्ग खेन जानो। जै दिना येशु जीवन भ्यान उई दिना येशु दी शिष्य इमाइस नामक गौ खेन जानमरेज। उन येशु के बारे में बात करूमरेज उन्होंने आज सी कि ऊ मसीहा छो, लेकिन ऊ मार डाली गेज और अब उन शैनिन कुन मरेज कि ऊ जीवन हो गयोज। उन यूनी समझ पामरेज की बात में विश्वास करा। येशु उनास पास आवरन उनार दगाड़ हिटून लाग छे, लेकिन उन उसने पछाण पाए। ऊ लुनून तक पूछे तुम कैक बारे में बात करो मरसा। तब उन्होंने उस येशु के बारे में बताच। उन्होंने सोचे कि ऊ कोई परदेसी छे जैस येशु के बारे में के मालूम नहातिन। तब येशु लुनून समझाच कि परमेश्वर के वचन मसीह के बारे में की कूच। बहुत पहली परमेश्वर की तरफ भटे भविष्यवक्ता ले कई ना छो मसीह दुख उठाल और मार डाली जाल, लेकिन परमेश्वर की तरफ भटे भविष्यवक्ता का कई ना छो कि ऊ तीसार दिन जून हो जाल। जब उन ऊ नगर में पूजन जाऊन रूच तब उन येशु थे क्योस यहीं रुक जा क्याखिन की ब्याल हो गए। और जब उन खानखिन बैठियान तय येशु एक रोट लीच और परमेश्वर को धन्यवाद दीच और फिर उस तोड़ छे। तब उन्होंने जान लीज कि वो येशु से, लेकिन वो उई बखैत वहाँ गायब हो गयो। तब उन आपस में कुन लग्यान वो तो येशु छो। एक कारण जब उल हमुन परमेश्वर वचन समझात ते हम बहुत उत्साहित भया। तुरंत ही उन निकल बिन वापस यरूशलेम किन ज्ञान और वहाँ कुछ बिन शिष्युन बताज येशु जून हो गयो हमोल उस देख छे। जब शिष्य यो बात करुम रेज येशु अचानक उ कमरा में आज जा उनछा और उन्होंने क्योच तुम उन शांति मिलो। शिष्युन ले सोचे कि वो कोई भूत छे, लेकिन येशु क्योच तुम क्याखिन डर छा और तुम्हार मन में क्या कोई साक्षी। म्यार हाथ और खुटा देखा भूतुन का पास इस शरीर न हुन जस मेरे पास है। यो देखुन किन की मैं भूत ना तिनू। उल उन थे खनखिन मांग छे। उन्होंने उस माच्छा के एक टुकड़ दीज और उल खाज। येशु क्योज मेरे बारे में परमेश्वर वचन जो कुशल कईनाक छे मैल तुमन बताइनाक छो ऊ पुरहुन जरूरी छे। तब येशु उन्होंने परमेश्वर वचनस निकी का समझाच कि बहुत साल पहली लिखी गेज मसीह दुख उठावरन मरुनवाल होल और ऊ तीसार दिन मुर्दान में बटे जून होलो और उन परमेश्वर तरह बटे संदेश दिन वालान ले योला लिखी नाग छो कि म्यार शिष्य परमेश्वर वचना घोषणा कराल और हरेकस पश्चाताप करुन खीन बताल। अगर लोग इस कराल तब परमेश्वर उनार पापुन माफ करोल। म्यार शिष्य यो संदेश प्रचार यरूशलेम बटे शुरू कराल और सब जाग और सब जातीन में जाला। तुम लोग मेर हरेक बात और कामुन का गवाह छा जो मैल क्योच और करीनाग छन और उस सब जो म्यार दिगाड़ भ्योज। और 40 दिनों तक येशु शिष्युन दिखाई दीज। एक बार ते 500 है जात लोगों दिखाई दीज। उल शिष्युन कई तरीका साबित कर छे वो जून छे और उल उनुन परमेश्वर राजा के बारे में शिक्षा दीज। येशु लपुन शिष्युन थे क्योज परमेश्वर में स्वर्ग और धरती हरेक जन में राज्य करना अधिकार दीनाग छे। एक कारण अब मैं तुमन थे कूच जा भिरन सब जाति के लोगों शिष्य बना इस करुण खिन तुम उन्होंने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम बक्तिस्मा दी। जो कुशल मैल तुम उन सिखा रहे उन सब बातों उन्होंन मानून सिखा और मैं हमेशा तुम्हार दगाड़ दूल। येशु जीवन होना 40 दिन बाद उल अपन शिष्युन तक योज जब तक मेरे पिता तुमन सामर्थ्य नहीं दियोल तब तक यरूशलेम में ही रहा। वो तुमन पवित्र आत्मा दियोल तब येशु स्वर्ग खिन नह जाँच और बादनों ले उस ढक लीच। स्वर्ग में येशु सब चीजों में राज्य करुन खिन परमेश्वर आठ दैन तरफ बैठ जाँच।